पुकारा शाने करम दिखाने जती तुझे पुकारा शाने करम दिखाने ऐ रहीम तेरी रहमत ऐ रहीम तेरी रहमत हमें आ गई बचाने मेरे मौला 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 ऐ मेरे मौला तारीफ तेरी फिर भी मुमकिन नहीं बयां हो तारीफ तेरी फिर भी मुमकिन नहीं बयां हो हम दो सनाम तेरी हम दो सनाम तेरी मजबूत है जमाना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نجم الأيولي اسم محمد نور الكيوبي اسم محمد Eyes of the stars, name of Muhammad, light of the heart is name of Muhammad, aankhon ka tara, name Muhammad, dil ka ujala, name Muhammad, daulat jo chahun, dono jahan ki, daulat jo chahun, दोनों जहां की कर लो वजीफा नामे मोहम्मद कर लो वजीफा नामे मोहम्मद नजमल अयूली इज्म मोहम्मद नूरुल कयूबी इज्म मोहम्मद आइज ऑफ द स्टारीज नेम ऑफ मोहम्मद लाइट ऑफ द हार्ट इज नेम ऑफ मोहम्मद अपने रजा के कुर्बान जाऊं अपने रजा के कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नामे मोहम्मद जिसने सिखाया नामे मोहम्मद नजमल अयूली इज्म मोहम्मद नूरुल कयूबी इज्म मोहम्मद आइज ऑफ द स्टारीज नेम ऑफ मोहम्मद लाइट ऑफ द हार्ट इज नेम ऑफ मोहम्मद आंखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद जिजाजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इरम अल स्कूल में पढ़ती हूँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उससे पहले बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती थी जब किसी के घर में बेटी पैदा होती तो उसको दफना दिया जाता था एक दफ़ा एक
आदमी के घर बेटी पैदा हुई, उस वक्त वो आदमी अपने घर में नहीं था, वो किसी और मुल्क में जा चुका था। लेकिन जब उसकी बेटी पैदा होने वाली थी तो उसने अपनी बीवी से कहा कि जब अगर बेटी पैदा हो तो तुम उसको दफना देना। उसकी बीवी ने कहा ठीक है, मैं उसको दफना दूँगी। जब उसके घर बेटी पैदा हुई तो वो थी तो माँ ही, उसने सोचा मैं अपनी बेटी को कैसे दफना सकती हूँ, मैंने ही इसे पैदा किया है। उसके दिल में बहुत ही मोहब्बत पैदा हुई, उसने अपनी बेटी को नहीं दफनाया बल्कि उसकी परवरिश करने लगी। तब जब उसका वालिद अपने घर वापस आया, उसने दरवाज़े पर दस्तक दी तो बेटी ने भाग कर दरवाज़ा खोला। बाप ने देखा कि ये कौन लड़की है, उसने जाके अपनी बीवी से पूछा तो उसने सारा माजरा उसे बताया कि ये हमारी बेटी है। तब उस शख्स को बड़ा ही गुस्सा आया अपनी बीवी पर, लेकिन उसने बगैर कुछ सोचे अपनी बेटी को दफनाने का सोचा। तब वो अपनी बेटी को दफनाने के लिए ले गया। जब वो आदमी अपनी बेटी के लिए कब्र खोद रहा था, उसके माथे पे बड़ा ही पसीना आया। उसकी बेटी ये सब देख रही थी तो उसकी बेटी ने अपने वालिद का पसीना साफ किया और अपने वालिद की मदद करने लगी उस कब्र को खोदने में। ये सब उसका वालिद देख रहा था कि मेरे चेहरे पे पसीना आया है और मेरी बेटी साफ कर रही है। जब उसने अपनी बेटी को दफना दिया और वो घर वापस चला गया, तब इस बात पे बड़ा ही उसने गौर किया कि थी तो वो मेरी ही औलाद, चाहे वो बेटी थी लेकिन उसको मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि मैं उसको दफनाने जा रहा था और वो मेरा पसीना साफ कर रही थी। तब उसे अपनी गलती पे बड़ा ही पछतावा हुआ, उसने जाके अपनी बेटी को उस कब्र से निकाला। उसने अपनी बेटी को इसलिए निकाला कि वो थी तो उसकी औलाद लेकिन बेटी थी, उसे अपने बाप से इतनी मोहब्बत थी कि वो उसको मारने जा रहा था, उसे दफनाने जा रहा था लेकिन उसने अपने वालिद का पसीना साफ किया। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बेटा है या बेटी है, वो हमारी औलाद है। आजकल लोग सोचते हैं कि ये हमारी बेटी है, कोई लोग तो ये सोचते हैं कि बेटियों का तालीम हासिल नहीं करवानी चाहिए। कुछ लोग ये बात सोचते हैं कि बेटियों का तालीम हासिल नहीं करवानी चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। बेटी और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी तो आपकी ही औलाद है। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क ना किया जाए, उनको भी बराबर ही समझा जाए, बेटियों को बेटों के बराबर ही समझा जाए, उनको भी तालीम हासिल करवाएँ, उनका हक है। ये नहीं कि बेटों को तालीम हासिल करवाएं और बेटियों को घर में बिठाएं, वो भी आपकी औलाद है, बेटियों को भी उतना ही हक है जितना बेटों का है। देखिए इसके अलावा ये भी बात है, अगर इसकी टीचर्स जो होते ना माशरे में इज्जत है, दूसरी फील्ड है जो भी ले लें, वो उसके चेहरे पे इज्जत करते हैं, बाद में इज्जत नहीं करते, लेकिन टीचर्स की हमेशा इज्जत की जाती है हर माशरे में। अच्छा भाई, एक अच्छा मौलम होने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? एक अच्छा मौलम, देखें एक टीचर जो होता ना वो सबसे पहले डिसिप्लिन को फॉलो करता है, इसके अलावा वो इखलाकियात हैं, जो भी टीचर बच्चों को पढ़ाना है वो, अगर बच्चों में इखलाकियात नहीं होगी तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अनपढ़ रहना बेहतर है। बच्चों के वालदैन को पैगाम दें बतौर टीचर होने के हैसियत से। जी, बच्चों के वालदैन को मेरा यही प्रोग्राम पैगाम है कि बच्चे जो उनको चाहिए कि बच्चों को जैसे वो करना चाहते हैं ना पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ना एक फ़र्ज़ है, जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ हो जाती है वो हमें करनी है, उसका अगर नहीं करेंगे तो गुनाह है, जिस तरह हमें नमाज़ फ़र्ज़ है अगर नहीं पढ़ेंगे गुनाह है, इसी तरह तालीम भी फ़र्ज़ है, तालीम भी फ़र्ज़ है। ज़ाहिर बात है आप सर ने कहा कि इलम हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े, एक इतनी दूर जाने के बाद पढ़ने के लिए फ़र्ज़ ही है ना वो चीज़, तो वालदेन को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आप उनको जो भी जायदाद छोड़ते हैं ना वो एक मुख्तसर सी चीज़ होती है, लेकिन जो तालीम है वो एक लॉन्ग टर्म वे है। वो असास है बच्चे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद असलान। स्कूल का नाम? इरम मॉडल हाई स्कूल रायविन। तो क्या यहाँ पर आप बताओ? मैं यहाँ पर टीचिंग करता हूँ। किस क्लास में? मैं 9th-10th को बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। कितना अर्सा आपको हो गया है इस फील्ड में? तकरीबन 2 अर्सा हो गया है मुझे इस फील्ड में काम करते हुए और इस अदारे में काम करते हुए। तो कोई परेशानी इस अदारे में? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है, ये अदारा बहुत अच्छा है हमारे लिए भी। हमने यहाँ से जो हम अपनी लाइफ में अपनी स्टडी से ना सीख सके, यहाँ पर हमने
टीचिंग करके बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा अदारा है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। अच्छा, बच्चों के वालदैन को पैगाम दें कोई अपनी तरफ से। बच्चों, आज के बच्चों के वालदैन को हम यही कहना चाहेंगे कि देखो, तालीम हम पर फ़र्ज़ है, हमें तालीम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बच्चों को पूरा हमें, जैसे हमने अपनी लाइफ में सीखा है, मैंने यही सीखा है देखो कि अगर हम स्टडी करते हैं ना, स्टडी हमें जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंधेरों से निकाल के उजाले की तरफ लेके आती है। तो मुझे तमाम पेरेंट्स से मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, क्योंकि हमारे लिए, हमारी कौम के लिए तालीम जो होती है वो मौत और ज़िंदगी का मसाइल है। क्योंकि अगर हम तालीम अच्छे तरीके से हासिल करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस तालीम के ज़रिए से। क्योंकि हमारे पास जो आइंस्टाइन था, उसने यही कहा था कि अगर जिस कौम ने तबाह होना है ना, वो जहाँ पर तालीम नहीं है ना, वो कौम तबाह हो जाती है। तो मैं तमाम पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है तालीम दिलवाएं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था कि गोद से कब्र तक तालीम हासिल करें।